हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए चीज बर्स्ट पिज्जा लेकर आई हूँ। बहुत स्वादिष्ट होता है, आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। पिज्जा बेस बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 कप मैदे में हमें 1/3 कप हमने दही लिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच दही है, इसे डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका हम अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर हमें पानी की आवश्यकता होगी तो हम अब पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। देखिए इतना ढीला हमें डो बनाकर तैयार करना है, टाइट डो नहीं बनाना है। हम थोड़ा तेल डाल देते हैं ऊपर से। 1 टीस्पून मैंने तेल ले लिया है और तेल के साथ में हम इसे अच्छी तरह मसल लेंगे 1 से 2 मिनट। हमने इसे अच्छी तरह 1 से 2 मिनट मसल लिया है। देखिए इतना सॉफ्ट डो हमें लगाकर तैयार करना है। अब हम इसे ढककर रहने देंगे और 15 मिनट या आधे घंटे बाद इससे हम पिज्जा बेस बनाएंगे। आधा घंटा हो गया है, आटा भी सेट हो गया। अब हम इससे पिज्जा बेस बना लेते हैं। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इससे थोड़ा मसल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है डो, बस हमें थोड़ा सा इसे मसलना है। हमने एक चकला ले लिया है बेलने के लिए और इस पे हम थोड़ा जो मैदा है डस्ट कर लेते हैं। और ये जो गोला है इसको हम रखेंगे। बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। देखिए हमें इतना मोटा बनाकर तैयार करना है। इसे हम थोड़ी उंगलियों की सहायता से यूं उठा लेंगे किनारे इसके, हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इस तरह से। और ये फोक है, फोक से हम इसमें छेद करेंगे। जैसे रेडीमेड पिज्जा होता है उसमें आपने देखा कि छेद होते हैं, इससे क्या है कि हमारा जो पिज्जा बनाएंगे पिज्जा बेस ये फूलेगा नहीं। पिज्जा में डालने के लिए मैंने ये कुछ सब्जियां ले ली हैं। 1 कटोरी पत्ता गोभी पतले स्लाइस में कट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च पतले स्लाइस में कट किया है और 1 गाजर पतले स्लाइस में कट किया है। और ये 1 कटोरी सोया चंक्स लिया है, इसे मैंने 15 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और इसे निचोड़ के निकाल दिया है। चलिए ये सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई रख लिया है और इसमें 1 टीस्पून बटर डाल देंगे।
बटर मेल्ट हो गया है, ये सब्जियां डाल देते हैं। बस हमें हल्का हल्का टॉस करना है 2 मिनट तक, और ये जो सोया चंक्स है ये भी डाल देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। ये हल्का हल्का टॉस हो चुका है, नॉनस्टिक तवा रख दिया है, और जो ये बेस बनाया है पिज्जा बेस, आराम से इसे पकड़ के इस पे डाल देंगे। पहले हम इस पे बटर लगा लेते हैं, आराम से फैलाएंगे, हो सके तो बटर को आप थोड़ा मेल्ट कर ले। बटर लगा दिया हमने, ये रेडीमेड पिज्जा सॉस लिया है, ये लगा देते हैं। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल सॉस लगा लीजिए, और जो सेसवान सॉस आता है रेडीमेड, आप वो भी मिक्स कर दीजिए सॉस के साथ में, वो दोनों चीज लगा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने 1 से 1.5 चम्मच ये पिज्जा सॉस लगा लिया। हमने ये मोजरेला चीज लिया है, ये डाल देते हैं। देखिए हमने बहुत अच्छे से चीज डाल दिया है। पिज्जा में जब तक चीज ज्यादा ना हो तब तक मजा नहीं आता है, तो आप ज्यादा ही चीज डालें। अब हम सब्जियां डाल देते हैं। देखिए हमने सब्जियों को डाल दिया है अच्छी तरह, इसमें हम थोड़ा पिज्जा मिक्स डाल देते हैं। ओरिगैनो डाल देंगे। जब हम पिज्जा मंगाते हैं तो उसके साथ में पाउचेस आते हैं, आप उसको संभाल के रखिए, और इसमें घर में जब पिज्जा बनाते हैं तब यूज कर सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हमने फ्लेम लो रखा है, लो पे ये पक रहा है, और हल्का सा ऊपर से चीज स्प्रेड कर देते हैं। अब हम ढक्कन कवर कर दें, ढक्कन कवर कर दिया है, और इसे अब हम 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे, बहुत लो रखिए फ्लेम ताकि जले ना पिज्जा, और उसे पकने दीजिए आराम से। देखिए 5 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है पिज्जा। हमने जब टॉपिंग लगाते समय, उस समय भी 2 से 3 मिनट पका था जब टॉपिंग लगा रहे थे, और जब हमने ढक्कन ढक दिया उसके बाद 5 मिनट पकाया है, और बीच बीच में देखते रहे हैं ढक्कन खोल के, और बहुत अच्छी तरह से पिज्जा पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। लगभग इसमें 7 से 8 मिनट लगा है हमें पकाने में। देखिए बहुत अच्छी तरह से नीचे से भी टेक्सचर आया है इसका, ये देखिए बहुत अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। फर्स्ट पिज्जा बनकर तैयार हो गया है, बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए हम एक पीस निकाल के दिखाते हैं, देखिए कितना प्यारा बना है और बहुत टेस्टी बना है। इसी तरह आप पिज्जा बनाइए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।